सभी विधायकों का एक ये था, अनुरोध था कि क्षेत्र में पदाधिकारी थोड़ा अनिच्छुक होते हैं। ताड़ी के बारे में हमने थोड़ा सा बात किया कि ताड़ी से गरीबों का ये हो रहा है, उसको जरा आप देखिए। सभी लोगों ने हामी भर के उनको कहा कि सब चीज़ ठीक है आपका। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं और सीधे तौर पर कभी कभी वो नीतीश कुमार पर भी हमला बोलने से नहीं चूकते, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो या फिर सीट शेयरिंग या फिर तमाम बातें। महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग हो, जीतन राम मांझी अपने बयान देने से पीछे नहीं हटते। और एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने बिहार के सियासी गलियारे में खलबली मचा दी, और खलबली मची है तो इस वजह से क्योंकि कल देर शाम 6 बजे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सीधे मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश कुमार से मिलने पहुँच गए। उनके साथ उनके बेटे और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन और पार्टी के कई विधायक और नेता मौजूद थे। सीधे तौर पर जीतन राम मांझी ने मुलाकात के बाद ये कहा है कि सियासी मुलाकात नहीं हुई है, हमने तमाम बातें उनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रखी है। हमारे पार्टी के विधायक कह रहे थे कि हमारी बातें अधिकारी नहीं सुनते, जनता का काम नहीं होता, जनता नाराज़ है और इसी वजह से हमने उनको मुख्यमंत्री से मिलवा दिया। मुख्यमंत्री के समक्ष सभी ने अपने बातें रखी है, लेकिन जीतन राम मांझी ने साफ कहा कि ताड़ी को लेकर हमने मुख्यमंत्री के समक्ष बातें रखी हैं कि ताड़ी को सुचारू रूप से रखा जाए ताकि जो गरीब लोग हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ताड़ी की वजह से कई लोग जेल में बंद हैं और सभी गरीब हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि इस पर वो ध्यान रखेंगे। क्या कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद, पहले हम आपको सुनाते हैं। सभी विधायकों का एक ये था, अनुरोध था कि क्षेत्र में पदाधिकारी थोड़ा अनिच्छुक होते हैं काम में, या जो काम हम दिया है वो नहीं होता है, तो हम पर आरोप था सभी विधायकों का। और लोग का कहना था कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री से सम्मिलित मिलवा दीजिए, तो वही हम मिलवाने के लिए गए थे। सब लोग अपनी अपनी समस्या के बारे में बातचीत किए कि भाई हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ ये है। हमने भी बात किया, हमने भी नई गाड़ी के बारे में 3 बार बात हुई थी। उन्होंने कहा था देंगे, आज कहा गया कि नई गाड़ी आ रही है तुरंत आपको मिलेगा। ताड़ी के बारे में हमने थोड़ा सा बात किया कि ताड़ी से गरीबों का ये हो रहा है, उसको ज़रा आप देखिए। सभी लोगों ने हामी भर के उनको कहा कि सब चीज़ ठीक है आपका, लेकिन ताड़ी के बारे में थोड़ा सा रहम करवाइए कि गरीब तबके के लोग जो इसमें ना हो। तो राजनीतिक बात कहिए चाहे सामाजिक बात कहिए, यही हुई, इसके अलावा कोई बात नहीं। लेकिन आप जो मांग करते रहे हैं 5 सीटों की मांग या फिर जिले की बात, नहीं कोई कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं है। और 5 सीट हम नहीं मांग करते हैं, ये आप लोगों की बात है। हम लोग ने तो यही कहा है कि हम लोग एक बार बैठेंगे, बैठ करके तय करेंगे कि किसको कितना सीट जाना चाहिए। उसमें 1 सीट भी हो सकता है, न भी हो सकता है, 4 सीट भी हो सकता है, तो राज्यसभा भी हो सकता है, काउंसिल भी हो सकता है। तो ये सब आप लोगों को नने कहेंगे हम लोग, लेकिन आप लोग अपना स्पेकुलेशन से बात बोल देते हैं जो पब्लिक डोमेन में आ जाता है। सब कुछ ठीक ठाक है, एकदम ठीक है, हम लोग सब नीतीश जी के साथ हैं। सीधे तौर पर आपने जीतन राम मांझी को सुना और साथ ही साथ ये तस्वीर भी देखी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी हैं और तमाम हम पार्टी के विधायक और नेता हैं। और साथ ही साथ भले ही जीतन राम मांझी इनकार कर रहे हो कि राजनीतिक बातें नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से 5 सीट जो है जीतन राम मांझी ने लोकसभा चुनाव में मांगी है और इसको लेकर कहीं ना कहीं बातचीत ज़रूर हुई होगी, सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें हैं वो सामने ज़रूर आई होंगी, लेकिन जीतन राम मांझी ने इस बात से इनकार कर दिया कि उन्होंने कोई राजनीतिक बातें भी की है। लेकिन कह ज़रूर लग रहे हैं कि जब दो बड़े राजनीतिक दिग्गज बैठते हैं तो काम की बातें तो होती हैं, राजनीति की बातें ना हो ऐसा असंभव है। सहयोगी विकास के साथ विशाल भारद्वाज, SGD News पटना।